अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो यार आज की वीडियो में आपको दो सोफ़ा सेट मिल जाएंगे, एक आपको डबल बेड मिल जाएगा जिसके साथ आपको बेड भी मिल जाएगा। तो सोफ़ा सेट एक 5 सीटर में मिलेगा, एक 4 सीटर में मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने ऑफर टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को फौरन मिलता रहे। यहाँ पे मैं बहुत सी ऑफर्स पे, डील्स पे, डिस्काउंट्स पे और अलग से चीज़ें देख के और आइडियाज़ वगैरह पे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। आते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करते चले अपने स्किन और ब्लैक सोफ़ा सेट की, जो कि इस टाइम 5 सीटर में मौजूद है। अगर मैं इसकी ओवरऑल कंडीशन की बात करूँ तो 10x9 आप कंडीशन कह सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से सीट नहीं बैठी हुई, कहीं से कवर नहीं ख़राब है। तो सबसे बड़ा इशू जो आता है ना वो ये आता है कि ब्लैक और स्किन कलर हो वो मैला हुआ होता है, जिसकी वजह से आपका सोफ़ा सेट बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आप देख सकते हैं स्किन कलर बिल्कुल साफ़ सुथरा है, ब्लैक के साथ मैच हो रहा है, तो कोई इशू नहीं है। ना सिटिंग का कोई इशू है, ना कलर फेड का कोई इशू है, और ना ही आप अगर कहें कहीं से कवर फटा हो तो कोई मसला नहीं है। अगर बैक से या नीचे से कोई मसला निकला है वो निकला है, नहीं तो फ्रंट से बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो 14,000 रुपये इसकी प्राइस है, प्राइस इनकी डिमांड 14,000 रुपये है। अगर आप प्राइस की बात करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नंबर वीडियो के एंड पे दे दूंगा। तो इस टाइम ये इस्लामाबाद में मौजूद है और मैं आपको बता दूं फिर से लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और नंबर वीडियो के एंड पे होगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कॉन्टेंट कैसे करें यार, नंबर दे दें, तो अपने नंबर वो लिख रहे होते हैं कमेंट्स में। तो मैं आपको बताता चलूँ, आपको नंबर जो होता है वो वीडियो के एंड पे ही दिया करूँगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है ऐड का, आप लिंक पे क्लिक करके जाके यार ऐड देख लिया करें, वहाँ पे बात कर लिया करें। तो दूसरे नंबर पे जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको बेड मिल जाएगा, डबल बेड मिलेगा और 7 साइड टेबल मिल जाएंगे। अगर इस बेड की ओवरऑल कंडीशन की बात करूँ तो 10x8 कंडीशन कह सकते हैं, क्योंकि इसके जो साइड टेबल हैं वो थोड़े से ख़राब हैं और जो बेड का डिज़ाइन है, यार मैं आपको एक बात दूँ, बेड का डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सिंपल है और प्यारा बहुत है। कलर इसका ओ वाइट है, क्रीमी कलर जिसे हम कहते हैं, क्रीमी कलर, वो बहुत ज़बरदस्त मुझे लगता है। वैसे जो बेड का हुड है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है और प्राइस भी इसकी मुनासिब भी समझ लें, तकरीबन 8,000 रुपये यार इसकी प्राइस है। दोनों आपको साइड टेबल मिल जाएंगे और साथ में बेड मिल जाएगा। तो इस टाइम ये कराची में मौजूद है, कराची वाले इसको परचेस कर सकते हैं, प्राइस की बात कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नंबर वीडियो के एंड पे दे दूंगा। तो मैंने इसको भी 5,000 रुपया बोला था तो भाई इसका मुझे कोई मैसेज का रिप्लाई दोबारा नहीं आया, तो 6,000 रुपये तक उम्मीद है, 6-6.5 हज़ार रुपये तक दे देगा। तो तीसरे नंबर पे हम बात करते चले अपने सोफ़ा सेट की। अगर आप लोगों से मैं ये जो सोफ़ा सेट आपके लिए लेके आए तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो देख के अभी वीडियो स्किप कर देंगे, पर मैं आपको बात बता दूँ, जो इसमें सिटिंग यूज़ हुई है, जो इसमें लकड़ी यूज़ हुई है, शीशम की लकड़ी है, लकड़ी बहुत ज़्यादा महंगी यूज़ हुई है, पर जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पुराना है, पर ऐसी चीज़ें अगर कहीं पे पड़ी हों तो यार अच्छी भी लगती हैं। मैंने ये बहुत ज़्यादा देखा, आजमाई बात है कि अगर कहीं आप जाते हैं तो वहाँ पे सोफ़ा सेट आपको एक ही मतलब के डिज़ाइन के जो आजकल चल रहे हैं वो नज़र आते हैं, तो अगर आप कहीं पे जाएं तो आपको ये एक यूनिक डिज़ाइन नज़र आएगा तो आपको अच्छा भी लगेगा, ये अच्छा नहीं लगता, पॉलिश वगैरह ये हुए हुए हैं और प्राइस भी इसकी मुनासिब है, इसकी सिर्फ़ और सिर्फ 8,000 रुपये है। प्राइस की बात अभी आप कर सकते हैं, ये उनकी डिमांड है, तो 6,000 रुपये तक अगर 5,500 रुपये तक अगर मिल जाए तो यार इसमें क्या बुरा है। तो उसकी सिटिंग भी बहुत अच्छी है, आप जो सिटिंग की मोटाई है, गद्दी की मोटाई है वो देख लें, बहुत अच्छी है। और इस पर अभी मेरे ख्याल से उन्होंने पैसे खर्च करके इसको पॉलिश भी करवाया, तो 8,000 रुपये उनकी डिमांड है। इस टाइम ये मुल्तान में मौजूद है, मुल्तान वाले इसको परचेस कर सकते हैं, क्योंकि अब जितनी मैं वीडियोस बना रहा हूँ सब की सब यार मुझे कमेंट्स ही आ रहे हैं, तो मैं अपने से कोई वीडियो नहीं बता रहा, मनसहरा से, सियालकोट से, फैसलाबाद से जो कमेंट्स पेंडिंग है मैं उनसे माजरत करता हूँ और इंशाल्लाह मैं उन पर बहुत जल्द वीडियो बना दूंगा। अगर कोई अदर साइड से वीडियो देख रहा है तो कमेंट्स कर सकता है, अपनी सिटी का नाम लिख सकता है, जो चीज़ उसको चाहिए उसका कमेंट्स करें। अब वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।